गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने मुस्लिम समाज के पाक महीने रमजान पर जनपद वासियों को मुबारकबाद दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी के सहयोग से गोरखपुर में कोरोना का एक भी केस नहीं हुआ है, उम्मीद है कि गोरखपुर सुरक्षित रहेगा। जिलाधिकारी ने अपील किया है कि कोई भी घरों से बाहर न निकले, रमजान मनाना है, रोजा रखना है, घर में ही बैठकर कीजिए और घर से बाहर न निकलें। फल सब्जी सहित जरूरत के सामानों आपके घर के दरवाजे पर मिल जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग साथ लड़ेंगे तभी कोरोना से निजात मिल पाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, सर लॉकडाउन क्या है? सभी को रमजान महीना का शुभकामनाएं ढेर सारी। गोरखपुर जनपद का आप लोग सहयोग से हम लोग एक केस भी होने नहीं दिया है, आगे भी हम उम्मीद करेंगे गोरखपुर सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, ये आपका सहयोग से होगा। खासतौर पे मैं आपसे अपील करने चाहता हूँ, इस समय में किसी भी धर्म का किसी भी मजहब का है, आप किसी भी सूरत पे घर से बाहर नहीं निकलना है। जो आपका रमज़ान मनाना है वो रोज़ा खोलना है और प्रार्थना करना है, घर बैठे कर लीजिए, घर से बाहर ना निकालें। आपका फल सब्जी और जो आपका खजूर जो ज़रूरत चीज़ है उसको शाम को भी हम लोग आपका किस समय में रोज़ा खोलते समय में ज़रूरत था उसी के हिसाब से हम लोग व्यवस्था किए हैं। आपका घर बैठे आपको घर के बाहर दरवाज़ा में मिल जाएगा सारे चीज़, आप कतई बाहर मत आए। ये हम लोग सभी लोग साथ लड़ेंगे तब ये कोरोना से हम लोग मुक्ति पा पाएंगे। आपसे ये अपील करने चाहता हूँ, ये एक जिम्मेदारी के साथ त्यौहार मनाएं और घर का अंदर ही रहें, सेफ रहें, साफ़ सुथरी रहें।